होम टाउन में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का वो जोरों शोरों से स्वागत। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिता स्वागत करती हूँ आपका वी यू पर चर्चा में। भारत को T20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का अपने होम टाउन वडोदरा पहुंचने पर ग्रैंड वेलकम हुआ। हार्दिक पांड्या के फैंस ने अपने स्टार के स्वागत के लिए विक्ट्री मार्च की तैयारी कर रखी थी। पांड्या के स्वागत में मुंबई की तरह ओपन बस में विक्ट्री परेड निकाली गई। इससे मुंबई में मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक निकली टीम इंडिया की विक्ट्री परेड की याद ताज़ा हो गई। हार्दिक पांड्या ने विक्ट्री परेड के दौरान भारतीय टीम की जर्सी पहन रखी थी। एक तरफ क्रिकेट फैंस हार्दिक हार्दिक के नारे लगा रहे थे तो दूसरी ओर ये स्टार क्रिकेटर भी हाथ लगाकर उनके साथ घुल मिल रहे थे। हार्दिक पांड्या, वो नाम जो कुछ ही दिन पहले फैंस के कानों में चुभ रहा था, मैदान हो या फिर सोशल मीडिया, हार्दिक को ट्रोल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा था। लेकिन अब काया पलट चुकी है। 4 जुलाई को टीम इंडिया के स्वदेश लौटने के बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक हार्दिक के नारे नजर आए। अब हार्दिक जब अपने होम टाउन वडोदरा पहुंचे, फैंस का जयसला उमड़ गया। हार्दिक ने एक ओपन बस स्टैंड शो किया और जीत के बाद उसका लुफ्त उठाया। IPL 2024 में मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाए जाने के बाद हार्दिक पांड्या विलन बन गए थे और वो जहां भी खेलने जाते थे उनकी हूटिंग की जाती थी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो विलन से हीरो बन गए। हार्दिक पांड्या के वडोदरा पहुंचने के बाद का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुली ट्रक पर नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या का स्वागत करने के लिए लाखों की संख्या में क्रिकेट फैंस सड़क पर मौजूद थे। हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा था। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक पांड्या ने 8 मैचों की 6 पारियों में 48 के औसत के साथ 144 रन बनाए और इसमें एक अर्धशतक भी शामिल था, जबकि उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 50 रन रहा। वहीं 8 मैचों की 8 पारियों में 11 विकेट भी चटकाए। उनका बेस्ट प्रदर्शन 20 रन देकर 3 विकेट रहा, जो उन्होंने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लिया था। कई अन्य क्रिकेटरों का भी ऐसे ही अपने शहरों में स्वागत हुआ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीवा न्यूज़।